हेलो, ये देखिए मैं अपने घर की सफाई इसको पर्दा वर्दा चेंज कर रही हूँ। तो हेलो, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी होंगी। हैप्पी 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 धनतेरस। आज देखिए अपने घर का मैं पूरा ही सफाई कर चुकी हूँ और लास्ट स्टेज यही चल रहा है, जो कि अभी मेरे को बस ये पर्दा सब लगाना है और सोफा कवर बेड उठी यही सब बिछाना है। तो इसीलिए मैं सोची कि आप लोग से अपना काम भी कर लूं और आप सब से मिलती भी रहूं, तो इसीलिए मैं देखिए अपना एक वीडियो भी चालू कर दी हूँ। और प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और प्लीज मैं अभी आपको पूरा अपना, ये देखिए मेरा अभी इधर इधर रखी हूँ, ये है मेरा पिलो कवर जो कि मैं इस पे कवर लगा ली हूँ, अभी इस पे रख रही हूँ। तो मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा और काम करते रहो, तो थकान ऑलरेडी होता ही है। और ये रहा मेरा सोफा कवर, और आप लोग बताइएगा कि मेरा वाइट सोफा कवर और ये मेरा रेड पिल्लो कवर कैसा लग रहा है, इसे दिखा रही हूँ तो दिखा रही हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये देखिए इसी में पन्नी भी है, तो इसको यहाँ रखती हूँ और अपना सोफा कवर लगा रही हूँ। बिछाने में तो इसलिए आप लोग से भी बात नहीं कर रही हूँ। अभी आप लोग से जस्ट बात करूंगी, बस मेरा बीच ही गया। तो ये देखिए मेरा सोफा मैरून से हो गया है वाइट, मैं आज इसको वाइट चला रही हूँ क्योंकि मेरा पर्दा का ये है, मेरा पर्दा देखिए दिखाओ जी। तो मेरा पर्दा से देखिए मेरा ये सोफा कवर एकदम मैच कर रहा है, और ये मैं इसके जो मैं अपने सोफा का वाइट कलर के जो रेड मैं पिल्लो रखूंगी, तो ये एकदम मेरा घर चारों तरफ से एकदम लगेगा कि सुपर। ये देखिए इस बार मैं अपने पिलर को वाइट और रेड में देने वाली हूँ क्योंकि अलग अलग ही अच्छा लगता है मेरे को, थोड़ा सा डिफरेंट कलर। और ये देखिए अभी मेरा हो रहा है कॉल का, पूरा कंप्लीटली कर दी हूँ, पर्दा लगा दी हूँ, इतना कपड़ा आई वॉशिंग मशीन चलाई हूँ, 3-4 घंटा मैं पूरा अपना वॉशिंग मशीन चलाई हूँ। आज बहुत सारा कपड़ा दिखाना हुआ और बहुत आज देर का पूरा खटाई हुआ है क्योंकि आज बहुत सारा जो भी कुछ बचा हुआ था 8 दिन से लगी हुई थी,
उसको मैं पूरा आज कम्प्लीटली कम्प्लीट कर ली हूँ। और मैं इस हॉल को तो आपने देख ही लिए, उसको मत देखिएगा, पन्नी को मत ही इग्नोर करिएगा, पता ना कुछ खा तो यही रख लिए हैं ये लोग। ये मेरा पूरा घर हो गया है रेडी, और देखिए उधर भी दिखा दो थोड़ा सा वो रेत का। हाँ वो पूरा मैं आज वो मेरा जो मछली वाला स्टेरियम, ये जो मेरा एक्वेरियम है वो भी देखिए मैं पूरा आज क्लीन की हूँ। आज हम लोग चार सब के सब भीड़े हुए थे, सुबह 9 बजे तक हम लोग आज इसी में भीड़े थे, उसके बाद से खाना पीना बना। और मेरा देखिए आज पूरा कितना अच्छा लग रहा है, मेरा पूरा दिखाओ जी, ये देखिए इसको रख दे रही हूँ, ये मेरा हॉल है। और हॉल में देखिए ये मैं अकेली हूँ और मैं यहाँ बैठ जा रही हूँ। अब ये कंफर्ट बचा हुआ है जो कि चल रही हूँ अपने बेड को भी उसको वाइट कलर में मैं अपने शादी से ही पहले मैं अपना वो जो बनाई थी आपको तो चल रही हूँ दिखाने। और पंखा को कर रही हूँ बंद, मेरे को हो रही है गर्मी लेकिन यहाँ ठंडी पड़ना चालू हो रहा है। आजकल पंखा नहीं चल रहा है लेकिन मेरे को थोड़ा गर्मी हो रही है, काम कर रही हूँ तो मैं पंखा ऑलरेडी चला देती हूँ। तो अब ये देखिए मैं थोड़ा सा तो ये देखिए मेरा बेड शीट मैं अपना लगा रही हूँ अपने रूम का। और ये ना मैं अपने शादी से ही पहले देखिए मैं अपने हाथों से ही उस टाइम का मैं बनाई हुई हूँ, तो ये गांव में था तो इस बार मैं अपना ये ले के आई हूँ। तो आप लोग ये जानते हो पप्पा मेरा ये है जो कि मैं अपने हाथों से और रेशमी धागा से मैं छोटी वाली सुई से मैं बनाई हूँ। और मैं ना आज ये ना बहुत कम बिछाती हूँ, फेस्टिवल के फेस्टिवल जैसे होली दिवाली दशहरा जो आता है ना तभी मैं कभी कभार बिछा लेती हूँ, क्योंकि इसमें इतना मेहनत लगा है ना इस चादर की कढ़ाई करने में कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं दो अपने लिए चादर बनाई थी हाथ से जो कि मैं दोनों ही रखी हूँ, कभी कभी बिछाती हूँ। तो एक बार आप ज़रूर बताइएगा, आज वाइट वाइट का मेरे को बहुत ये हो रहा था कि चारों तरफ वाइट लगाऊँ और रेड से ये करूँ। तो मैं और ये देखिए मैं क्या लिखी हूँ इस पे, स्वीट ड्रीम्स अपना ये बना के अपने हाथों से। तो आप लोगों को प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो ये तो लाइक मेरी मेहनत के लिए बनती है यार दोस्तों, ये तो और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं पूरी अपनी ये थक गई हूँ, ये रहा मेरा बेडरूम, तो ये मेरा हो रहा है बेडरूम रेडी और हॉल। और ये देखिए सब तरफ मेरा पूरा क्लीनिंग क्लीन 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 ही क्लीन दिख रही है। ये रहा मेरा फूल कढ़ाई और ये मेरा चादर हो गया है बीच के रेडी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक इसके लिए कर दीजिएगा। मेरा दूसरा रूम भी हो गया है कंप्लीट, जिसमें इधर मेरा बेटी इधर सोती है और इधर मेरा बेटा सोता है। तो इसमें ऐसे है और ये मेरा भगवान का घर है जो कि अभी मैं दिया नहीं जलाई हूँ, उसी तरह है, सफाई हो गई है बस, अभी थोड़ी सी अभी पूजा पाठ नहीं हुआ है क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। और आप लोग को अगर अच्छा लगे और देखिए मेरा इतना ही घर है, इतना ही सब कुछ है, इतने में ही हम लोग खुश रहते हैं। और आइए आपको किचन भी थोड़ा सा इसी में दिखा दे रही हूँ, किचन ये नहीं है ये बाहर का है जो कि मैं थोड़ा सा लाइट जला दे रही हूँ। हाँ अभी छत पर भी हम लोग डेकोरेट किए हैं जो कि लाइट से, मैं तो नहीं लग गई है मेरे यहाँ 2-3 दिन पहले से ही। इधर बाहर में भी आपको दिखा दें, देखिए 2 टॉवल इधर सूख रहा है। और यहाँ मेरी बेटी एक छोटा सा रंगोली डाली है क्योंकि आज धनतेरस है, आइए उसको भी दिखाती हूँ। बाप रे यहाँ कितना मच्छर। और ये देखिए यहाँ
लीजिए और ये देखिए, देखिए ये कितना सुंदर बनाई है, छोटा सा रंगोली इतना सुंदर बनाई है बाहर, जो कि आप लोग प्लीज़ इसको बनाइएगा। अगर आप लोग बोलोगे कि और रंगोली का डिज़ाइन देने के लिए, तो उसको भी और मैं आप लोग को डिज़ाइन दे दूँगी। मेरे को तो नहीं आता है, पर मेरी बेटी है इतना अच्छा बनाती है रंगोली कि मैं तो खुश रहती हूँ उससे। अगर आप लोग को भी खुश रहना है तो प्लीज़ बोलिएगा, तो मैं अपनी बेटी से बोलूँगी कि वो आप लोग को रंगोली का डिज़ाइन भेजे और आप लोग बनाइएगा। और इसी के साथ ये देखिए, ये भी चादर ये नया ही डाली हूँ, जो कि मैं हाथ से इसको दूसरे तरीके से बनाया जाता है। इसको सुई में धागा डाल के ऐसे ऐसे डोब डोब के बनाया जाता है। तो ये देखिए ऐसा है, जो कि ये लोग हम लोग भी थोड़ा सा बनाए थे उतने टाइम, जो भी स्कूल में आया था ना, तो हम लोग को सिखाया था कि ऐसे ऐसे करके ये बनता है। तो अब मैं इसी के साथ लेती हूँ विदाई, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, हम लोग अपना ध्यान रखेंगे। और हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। और प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।